आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाउ मेनी ओवा मे बी प्रोड्यूस्ड बाय अ वर्जिन ह्यूमन फीमेल इन रिप्रोडक्टिव एज। पूछा गया है कि कितना ओवा यहाँ पे प्रोड्यूस होता है वर्जिन ह्यूमन फीमेल में, उसके रिप्रोडक्टिव एज में। तो बेसिकली अगर बात किया जाए तो ओवा रिलीज होने का एक टाइम रहता है। ओवा रिलीज तब होता है जब एक फीमेल चाइल्ड जो है वो बर्थ लेती है, या फिर हम कह सकते हैं कि मदर के वुम्ब में प्रोड्यूस होते हैं एज अ फीटस। और जब से फीटस रहती है वो फीमेल चाइल्ड के ओवरी में बहुत सारे ओवम जो है वो सिक्रीट होते हुए रहते हैं, और वो नंबर होता है मिलियंस ऑफ ओवम। और ये जो ओवम्स रहते हैं वो क्या होता है कि एक स्टेज में आके इकट्ठे हो जाते हैं, जिस स्टेज को हम लोग कहते हैं प्रोफेज वन। और प्रोफेज वन में आके ये जो मिलियंस ऑफ ओवम रहते हैं वो अरेस्ट हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि जब यही फीमेल चाइल्ड कुछ सालों बाद प्यूबर्टी गेन करती है, प्यूबर्टी का मतलब होता है कि 12 से 15 ईयर्स की हो जाती है, तो उस टाइम पे मैच्योरेशन यानी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी अटेन होता है और हर मंथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। और यही मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर देखा जाए तो हर महीने एक एक ओवम जो है वो मैच्योर होता है और प्रोड्यूस होता है इन द ओवरी। और देखा जाए तो इस स्टेज तक आते आते उस पर्टिकुलर वुमन या फिर जो प्यूबर्टी में फीमेल होगी उसके पास 80,000 या फिर 60,000 ओवम जो है वो लेफ्ट होगा एक एक ओवरी में, जो कि मैच्योर होता रहेगा टिल द एज ऑफ 50। तो बेसिकली हम कह सकते हैं जो प्रोडक्शन ऑफ यहाँ पे एग बोला गया है इन रिप्रोडक्टिव स्टेज वो होता है जीरो, क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो एकदम वुम्ब में यानी जब फोइटस रहती है या फिर फीटस रहती है उसी टाइम पे हो जाता है, बाकी टाइम विद मैच्योरेशन होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लास्ट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन जो कि जीरो है उसी को टिक कर लेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।